Everything about IELTS. Hello friends, my name is Kushal Gupta. I am an education consultant and runs a study abroad consultancy with the name of Forex. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IELTS के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस जो एक एस्पिरेंट्स को पता होने चाहिए. ये एक क्वेश्चन एंड आंसर टाइप की वीडियो होगी जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद इट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज IELTS? IELTS है क्या? IELTS stands for International English Language Testing System. अगर इसकी बात करते हैं तो ये एक एग्ज़ाम है जो आपका इंग्लिश में लेवल चेक करता है और उसके बेसिस पे आप फॉरेन कंट्रीज जैसे कि कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज व्हेन इज दिस एग्ज़ाम कंडक्टेड. कब होता है ये एग्ज़ाम? इस एग्ज़ाम की कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं है. आप इसको किसी भी टाइम दे सकते हैं. थ्रू आउट द ईयर ये एग्ज़ाम होता रहता है. हर मंथ ये एग्ज़ाम 4 बार कंडक्टेड होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन इस एग्ज़ाम को अपियर कर सकता है, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है. तो अगर बात करते हैं तो इसकी सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 18 या 18 प्लस एज एक्वायर करनी है. द सेकेंड थिंग इज आपके पास अपनी कंट्री का पासपोर्ट होना चाहिए. सिर्फ इन 2 कंडीशंस की हेल्प से आप इस एग्ज़ाम के अंदर एलिजिबल हो सकेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एग्ज़ाम इज दिस, ऑनलाइन और ऑफलाइन? दिस एग्ज़ाम कैन बी डन इन बोथ द फेसेस कि आप ऑनलाइन भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ऑफलाइन भी अटैम्प्ट कर सकते हो. ऑनलाइन अगर आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हो तो उसका रिजल्ट आपको विद इन 5 डेज मिल जाएगा. और अगर आप ऑफलाइन मोड में जाते हो जिसे पॉपुलरली पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट भी कहा जाता है, उसका रिजल्ट 13 दिन के बाद आता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम, कितने लंबे टाइम तक आप इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को यूज़ कर सकते हो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए. तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी वैलिडिटी 2 साल है. इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपना स्कोर कार्ड जिसे पॉपुलरली हम TRF भी कहते हैं, अगर आपको वो 1 जनवरी 2022 को मिलता है तो आपका 1 जनवरी 2024 तक सेम स्कोर कार्ड वैलिड है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन. अगर इंडिया की बात करते हैं तो IDP एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन वंस माइंड इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एग्जाम, कितने का एग्जाम होता है ये? तो अगर हम बात करते हैं इसके कॉस्ट की तो करंटली 2021 के अंदर इसका करंट प्राइस 14,700 है. बट डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से ईयर में दे रहे हैं इसका प्राइस दूसरा भी हो सकता है, इसका प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स वन कैन अपियर इन दिस एग्ज़ाम. जैसे हमने डिस्कस किया है कि ये पूरे साल एग्ज़ाम होता रहता है तो कितनी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो. देर इज़ नो फिक्स्ड लिमिट, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है. आप जितनी मर्जी चाहे बार इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो जब तक आप अपना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं पाते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन, इसके अंदर मार्क्स कैसे मिलते हैं आपको? IELTS एक यूनिक बेसिस पे आपको मार्किंग करता है जिसके अंदर वो आपको कन्वेंशनल तरीके से नंबर्स नहीं देता बल्कि आपको वो बैंड्स देता है. और जो मैक्सिमम बैंड्स हैं वो आपके होते हैं 9 बैंड्स. तो मैक्सिमम स्कोर जो इसका होगा वो 9 बैंड आ सकता है किसी भी स्टूडेंट का. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बैंड्स आर सफिशिएंट फॉर अ स्टूडेंट टू गेट एडमिशन इन अ गुड यूनिवर्सिटी और अ गुड कॉलेज. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितने बैंड्स मुझे चाहिए. बैंड आपके डिपेंड करते हैं एंटायरली आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो. इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करने के बाद हर इंडिविजुअल के लिए जो बैंड रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग होती है. बट अगर आपको एक छोटा सा मुझे आइडिया देना है उसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप 6 या 6+ बैंड्स को अचीव कर रहे हो तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है. और अगर आप 7, 8, 9 जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ही स्मूथ आपका प्रोसेस होगा आगे फाइलिंग का. और इट मे बी कि आपको आगे स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बैंड स्कोर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन द माइंड ऑफ एनी स्टूडेंट इज व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, कि इसका सिलेबस क्या होगा या इसमें क्या मॉड्यूल्स होंगे, किन मॉड्यूल्स के बारे में हमें पढ़ाई करनी होगी. IELTS है 4 मॉड्यूल्स. अगर IELTS की बात करते हैं 4 मॉड्यूल्स हैं IELTS के. फर्स्ट इज लिसनिंग, सेकेंड इज रीडिंग, थर्ड इज राइटिंग एंड द लास्ट वन इज स्पीकिंग. ये 4 मॉड्यूल हैं.
अगर हम बात करते हैं इनके एग्जाम टाइमिंग की, तो लिसनिंग रीडिंग राइटिंग विच इज पॉपुलरली नोन एज LRW इज कंडक्टेड ऑन वन डे. एक दिन LRW का आपका एग्जाम होता है जो 2 hours 40 minutes का होता है, और स्पीकिंग का एग्जाम आपका LRW से दूसरी डेट को होता है, जो एक आपका इंटरव्यू टाइप टेस्ट होता है जो 11 से 15 मिनट जनरली स्टे करता है. द लास्ट क्वेश्चन विच कम्स इन एनी स्टूडेंट्स माइंड इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू प्रिपेयर फॉर द IELTS. IELTS प्रिपरेशन में अगर मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात करता हूँ जिसकी इंग्लिश पे एक स्ट्रॉन्ग कमांड है, जिसको ग्रामेटिकली काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और वो एक कंप्लीट डेडिकेशन शो कर सकता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो उनके लिए 3 to 4 months इज अ सफिशियंट टाइम. बट एक ऐसा स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, या जो अपना पूरा दिन इस एग्जाम की प्रिपरेशन में नहीं दे सकते हैं, इट मे बी उनको इससे ज़्यादा टाइम लगे. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन इज कि आप इस एग्जाम को बिल्कुल प्रॉपर, जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ, उसके बाद ये अपीयर करो. द रीज़न इज सिंपल, जो कॉस्ट है एग्जाम की वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 15,000 के अराउंड है. तो अगर आप किसी भी तरीके की IELTS की कोचिंग चाहते हैं, PT की कोचिंग चाहते हैं, या स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम इस यूट्यूब चैनल पर नई नई वीडियोज़ उन स्टूडेंट्स के लिए लाते रहते हैं जो अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हैं, एजुकेशन गेन करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच.